देखिए, मैं सबसे पहले तो बहुजन मीडिया और ये सोशल मीडिया के जो आप सारे साथी हैं, आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आभारी हूं आपका कि आपने ये पहल की है, क्योंकि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता, आप जानते हैं। और जितने अत्याचार बहुजन समाज पर आज की तारीख में हो रहे हैं, उन्हें आपके अलावा कोई दिखाता नहीं है। तो आप ही एक ऐसा स्रोत हैं जिससे जानकारी मिलती है। 26 नवंबर को मैं बहुत सीधे शब्दों में कहूँगा कि इस देश के अगर सरकार नहीं मनाती है तो ना मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुजन समाज के और बाकी और सभी लोगों को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहिए। जैसे हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी तरह से 26 नवंबर को हमें संविधान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहिए। और मैं इस बार ये कहूँगा कि न केवल मैं बल्कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी के हजारों साथी उस दिन आपके 26 तारीख को जितने भी कार्यक्रम होंगे, 25 को भी 26 को भी, उनमें पहुंचेंगे। और इंडिया गेट पर जो मेन कार्यक्रम होगा, हम पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल होंगे। और लोगों से भी इस बात की निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा साथियों, इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सब लोग ये प्रण लें, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा, सब लोग ये प्रण लें कि 2019 का जो चुनाव इस देश में होने वाला है, उस 2019 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी, ये 56 इंची चौकीदार की जो सरकार है, इस पार्टी को सत्ता से बाहर करना है हर सूरत में। हर सूरत में मैं कहता हूं साथियों, हर सूरत में इसको बाहर करके इस देश को, संविधान को बचाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।